अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ क्लिनिक के साथ हाज़िर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ़ रज़ा शेख। नाज़रीन, सेहत बहुत बड़ी दौलत है। इंसानी जिस्म की बात करें तो उसका हर उज़्व अपनी जगह पे अहमियत का हामिल है। हम अब आँखों की बात करें तो आँखों के बारे में ये कहा जाता है कि आँखें बहुत बड़ी नेमत हैं और इनकी कदर वो जानते हैं जो देख नहीं सकते। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 14,000 अफराद आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं और एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त नाबीना अफराद की तादाद 30 लाख के करीब है। नाज़रीन, बात करेंगे आज हम आँखों की बीमारियों के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर आमर रज़ा साहब, आमर अवान साहब, माहिर इमराज चश्म हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि हम बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं, हमारा नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे मौजूद है। मैं आपकी सहूलत के लिए इसको दोहरा रहा हूँ, 0512331678। आपके जहन में कोई सवाल है, आप हमारे डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आँखों के हवाले से जब भी हम बात करें तो नॉर्मली एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने में आती है और बल्कि नौजवान भी इसकी शिकायत करते हैं कि जब वो पढ़ते हैं या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आँखों में जलन होना शुरू हो जाती है, इसकी क्या रीज़न्स हैं? आँखें हमारी जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती है उसमें जो आंसू हैं उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है और ख़ासतौर पर जब हम पढ़ रहे होते हैं या कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी आंखें खुली थोड़ी देर ज़्यादा रहती हैं, हम ब्लिंक नहीं करते, झपकते नहीं हैं आँखें, तो हम झपकते नहीं हैं तो आंसू जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, तो उससे क्या हो जाती है आँख में ड्राइनेस होती है और उसी वजह से हमें फिर जलन होने लग जाती है या आँखों में रड़क महसूस होती है या कई दफ़ा आँखों में सुर्खी भी आ जाती है। तो डॉक्टर साहब, अब आजकल ये देखते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो तो घंटों अपनी गेम्स खेल रहे होते हैं, तो क्या उन बच्चों में भी आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल आती है और इसको एक सिंड्रोम का भी नाम दिया गया, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इसको हम कहते हैं। और जितना ज़्यादा आप स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं, आप ब्लिंक कम करते हैं, आपकी आँखों की टीयर फिल्म जो है वो मुतासर हो रही होती है और आँखें आपकी खुश्क हो जाती हैं। और उसके अलावा बच्चों में एक और इशू ये आ जाता है कि उससे उनका जो उनकी बिनाई मुतासर होती है और ख़ास तौर पे उनकी दूर की नज़र जो है वो ज़्यादा मुतासर हो जाती है क्योंकि वो करीब का काम ज़्यादा कर रहे होते हैं और उससे उनकी दूर की बिनाई मुतासर हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, अगर ये किसी में प्रॉब्लम आ जाती है ड्राई आइज़ की तो उसका कोई ट्रीटमेंट है या आप उसको आर्टिफिशियल जो हम आंसू में यूज़ करते हैं वो नॉर्मली हमने देखा है कि डॉक्टर उसमें सजेस्ट कर देते हैं, क्या वही ट्रीटमेंट है या इसका और कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी है? उसमें एक तो प्रिवेंशन का है, सबसे ज़रूरी है कि उसमें आप जब भी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा वक्फ़ा कर लें, थोड़ी देर आप ऊपर देखें, आँखों को झपक लें और उससे ये कि वो एक साइकिल उसका टूट जाता है आंसुओं का। उसके अलावा जैसे आपने खुद दोहराया कि आर्टिफिशियल टीयर्स, तो आर्टिफिशियल टीयर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो एटलीस्ट 3-4 बार अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं दिन में उन लोगों में तो फिर जलन की शिकायत नहीं रहती। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा वक्फा डाल लेंगे तो उससे वो बेहतरी फील हो सकती है? बिल्कुल बेहतर हो जाएगा जी उससे। डॉक्टर साहब, आँखें अक्सर सुर्ख हो जाती हैं और आँखों में वो आप ऑडिमा कह लें या सोजन कह लें वो भी इसमें आ जाती है, उसकी क्या रीज़न होती है? आँखें खुश्क होने की आँखें सुर्ख होने की मुख्तलिफ वजूहत हैं, उसमें एक तो वजह है कि आँख के अंदर कोई इन्फेक्शन का हो जाना, कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए उसमें सुर्ख हो सकती हैं। आँखों में सोजिश आ जाना, इन्फ्लेमेशन जिसे हम यूवेआइटिस भी कहते हैं, उसमें भी आँखें सुर्ख हो जाती हैं। या आँखों में एलर्जी हो जाना जो बहुत कॉमन है, ख़ासतौर पे जब हम देखें कि डस्ट हो या पॉलेंट्स जिन दिनों बहुत ज़्यादा होते हैं, काउंट उनकी इंक्रीज़ हो जाती है तो उसमें भी फिर मसला आता है। कोई हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैंने एक 6 महीने पहले आंखों का कराया था ऑपरेशन, मेरा आ गया था मोतिया जी जी, तो उसमें से पानी आने लग गया ना, ठीक नहीं हो रही मेरी आंख, बार बार पानी निकलता है, चलता फिरता हूँ हवा लगती पानी आता दोनों आंखों में ना। जी जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मोती का ऑपरेशन कराया था और कह रहे हैं कि उसके बाद पानी आना शुरू हो गया है। उसमें एक वजह तो ये हो सकती है कि अगर मोती के ऑपरेशन के बाद टांके लगाए जाएं तो टांके अगर अपनी जगह से हिल जाएं या टूटते हैं टांके तो वो इरिटेशन करते हैं, आँख के अंदर रड़क होती है, उससे पानी आना शुरू हो सकता है। दूसरा वजह यह भी हो सकती है कि एलर्जी से मुतासर हों इनकी आँखें, या इनकी जो आंसुओं की नाली होती है टीयर डक जिसे हम कहते हैं वो ब्लॉक हो सकती है, उसकी वजह से भी पानी आ सकता है। क्या करना चाहिए इनको? इनको मैं यही कहूँगा कि पहले चेक करवाएं ताकि देखें कि अगर स्टिचेस वगैरह हैं तो उनको रिमूव किया जा सकता है, अगर वो नहीं है
तो आंसू की नाली जो है उसको फ्लश किया जा सकता है, उससे हमें पता लग जाएगा कि पानी की नाली हैं, और फिर ड्रॉप्स दिए जा सकते हैं, उनसे बेहतर हो जाएगा। नारीन, अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तैर फारूक साहब ने, माहिर इमराज़ चश्मे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब आप ही से सवाल है कि जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात किया कि आँख से जो पानी बहना होता है वो बासकत वो आपकी जो आंसू वाली डक्ट होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ट्रीट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, उसको ट्रीट किया जा सकता है। दरअसल एक तो ये डक्ट जो है ये कुछ इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेशन की सूरत में सिकुड़ जाती है। बसा अवकात ऐसा होता है कि उम्र के साथ ये यानी तबी तौर पर ये सिकुड़ना शुरू हो जाती है। तो उसमें पहला और सादा इलाज तो उसका यही है कि डॉक्टर जो है वो उसको एक सिलाई से उसको खोलने की कोशिश करता है, और उसमें बाज़ अवकात काफ़ी अरसा इससे निकल जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा सीवियर इश्यूज़ हों, बिल्कुल ही बंद हो जाए, या ये बार बार हमारी सिंपल ट्रीटमेंट से ये ठीक ना हो, तो फिर उसका एक बड़ा ऑपरेशन होता है जिसमें हमें उसका टोटली नया रास्ता बनाना पड़ता है। और हो जाता है? हाँ हो जाता है, क्योंकि आँख में पानी तो मुस्तकिल बन रहा है, सफाई हो रही है, ये एक उसकी यानी ये समझ लें कि ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, तो उसकी ड्रेनेज भी ज़रूरी है। तो फिर वो अल्टीमेटली हमें एक अलग से एक रास्ता बनाना पड़ता है कि ये सारा ये आंसू जो है ये गले में ड्रेन हो जाए। डॉक्टर साहब आउटडोर में भी आप बहुत से पेशेंट्स देखते होंगे, तो नॉर्मली आप पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो ज़्यादातर किन बीमारियों के साथ लोग आपके पास आ रहे हैं? देखें जी, आँखों की सबसे बड़ी बीमारी जो अगर हम देखें सर्जरी के फील्ड में, तो वो तो सफ़ेद मोतिया है। लेकिन इसके अलावा जो रूटीन के अंदर जो दीगर अमराज हैं, ऐनक के नंबर हो सकते हैं, एलर्जी है, एलर्जी बहुत कॉमन है, आजकल ड्राइनेस का सीज़न है, ड्राई मौसम है, तो ड्राइनेस के मरीज़ बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो ये ज़्यादातर मरीज जो होते हैं, बाकी डिजीज इतनी कॉमन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा कई लोगों से ये एक्सपीरियंस हुआ है कि वो जब शिकायत करते हैं ना कि जी सर दर्द रहती है, सर दर्द रहती है, और उनको जब मैंने भी ये कहा है जी आप अपने आई सेट चेक कराएं, तो उसमें बड़ा डिनाइल पाया जाता है, नहीं 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 मेरी तो आई सेट ठीक है। तो क्या आई सेट कमज़ोर होने से भी सर दर्द होती है? बिल्कुल, उससे सर में दर्द हो सकता है, और होता ही है कि आप जब तक अपनी आई सेट चेक नहीं कराएंगे तो आपको एक पैमाना मालूम नहीं है, आप समझ रहे हैं कि मेरी नज़र ठीक है। और बच्चों में ख़ासतौर पे हमने देखा है कि उनकी नंबर जिस तरह -4, -5 तक भी होता है, लेकिन वो अपना काम चला रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है आप नोट करते हैं, टीवी के पास जा रहे हैं, या स्कूल में शिकायत की जाती है टीचर की तरफ से कि इनको नज़र नहीं आ रहा होता, ब्लैक बोर्ड पे हम लिखते हैं या वाइट बोर्ड पे, तो इनसे पढ़ा नहीं जाता। तो बिल्कुल सरदर्द एक अलामत है इस चीज़ की कि आँख की बिनाई कमज़ोर है। डॉक्टर साहब क्या ये ज़रूरी है कि 40 या 45 साल की उम्र के बाद आपकी नज़र ने कमज़ोर होना होता है? जरूरी होता है। अच्छा हाँ, अगर 40-45 साल की उम्र के बाद भी कोई फर्द बगैर ऐनक के पढ़ रहा है जी, तो इसका मतलब है वो किसी और प्रॉब्लम है उसको, यानी वो ये नॉर्मल नहीं है। अच्छा, यानी जिस तरह ये जो माइनस का नंबर लगाते हैं ना, दूर का नंबर लगाते हैं, ये लोग हैं जो 40-45 साल की उम्र में ऐनक उतार के पढ़ना शुरू कर देते हैं। या एक सफेद मोती की एक किस्म होती है कि अपने स्टार्ट में अभी उसके ज्यादा अलामत जाहिर नहीं होती, लेकिन उसकी पहली अलामत ये होती है कि करीब की नज़र बेहतर हो जाती है, तेज हो जाती है। हाँ, बल्कि वो लोग उसको एसोसिएट करते हैं कि मेरी खुराक बहुत अच्छी है, या मेरे तो माशाल्लाह वाले साहब भी चूंकि पढ़ा करते थे बगैर ऐनक के, मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो दरअसल सफेद मोती एक किस्म होती है जिससे करीब की नज़र बेहतर हो जाती है। जी कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मलक बद्रे मुनीर रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी जी मुनीर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी मेरी 63 ईयर्स एज है जी जी, और मैं जहनी अमराज की दवाइयाँ खा रहा हूँ तकरीबन 31 साल से। अच्छा, तो मुझे अभी जो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं वो मैं क्यूसिन खाता हूँ अपना, उसके साथ राइजिंग कैप्सूल होते हैं और एपी वाल कैप्सूल होते हैं टेबलेट में, और लेक्सोटानेल, ये चार दवाइयाँ मुझे खानी पड़ती हैं। जी जी, तो उसके साथ मुझे एक सीफोविट कैप्सूल लेता हूँ। जी जी, प्रॉब्लम क्या है? मसला ये सीफोविट ये विटामिन के कैप्सूल हैं प्लस आयरन इसमें। जी, तो ये सर मसला मुझे ये होता है कि मेरी जो आँखें हैं ये खास करके जो बाई आंख है जी जी, इसमें पानी आना शुरू हो जाता है जी जी, और मैं जो ग्लासेस पहनता हूँ जो मेरी नज़दीक की है वो 2 नंबर है, और दूर की जो है लेफ्ट की जो है वो 7.75 है जी, और राइट की जो है वो 0.50 है। आंखों से पानी आता है? जी पानी आता है, खास करके बाई आंख से ज्यादा पानी आता है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। बाएं आँख से पानी ज़्यादा आ रहा है, और मैं इसका आपने पहले भी जवाब दिया है,
और इनको आई थिंक सो कि इनको चेकअप के लिए भी जाना चाहिए, बल्कि आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्या जवाब देना। एक आँख में प्रॉब्लम हो रहा है तो खासतौर पे हो सकता है आंसू की नाली का मसला हो, जी जी, तो उसमें वो टीयर डक्ट फ्लश करके हम देख सकते हैं, या आईलेट की पोजीशन देख सकते हैं कि वो तो कुछ उससे एबनॉर्मल तो नहीं है कि उसकी वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है और छलक जाता है, तो चेकअप कराना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आँखों के मोती की थोड़ी सी बात करते हैं कि ये सफ़ेद और काले मोती में क्या फ़र्क है? असभी सफ़ेद और काला मोती, अब बज़ाहिर तो ये नाम से तो एक ही जैसी थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ें लगती हैं, लेकिन दर हकीकत ये बहुत दोनों मुख्तलिफ डिजीज़ हैं। सफ़ेद मोतिया तो जो आँख का कुदरती अदसा है जो तस्वीर को पर्दे पे फोकस करता है, उसमें वक्त के साथ साथ सफ़ेदी आ जाती है। बाज़ औक़ात चोट लगने से किसी भी उम्र में आ सकती है, बाज़ औक़ात बच्चा पैदा होते ही जिसको हम पैदाइशी सफ़ेद मोतिया कहते हैं उसका अदसा सफ़ेद होता है, तो इसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। इसका इलाज सिंपल सर्जरी और इसको सफ़ेद मोतियों को हम निकाल कर इसकी जगह मसनूई अदसा रख देते हैं। ठीक। जबकि काला मोतिया जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बीमारी है, वो ये है कि आँख का अंदरूनी प्रेशर का बढ़ जाना और उसके नतीजे में जो असबी पर्दा है जहाँ पर तस्वीर कैच होती है, देखी नहीं जाती, कैच होती है, फिर ये सिग्नल्स के ज़रिए दिमाग में मुंतकिल की जाती है जहाँ देखी जाती है, तो ये जो दरमियानी कनेक्शन है पर्दा बसारत का और दिमाग का, ये प्रेशर सेंसिटिव है यानी दबाव से हसास है। तो जब आँख का अंदरूनी प्रेशर किसी वजह से बढ़ता है, ये बीमारी है, कुछ लोग जिस तरह किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है इस तरह कुछ लोगों का ये प्रेशर आँख का अंदरूनी प्रेशर बढ़ता है, तो उससे वो कनेक्शन आहिस्ता आहिस्ता मुनक़ते होना शुरू हो जाता है और ये इसमें जो विजन लॉस होता है ये परमानेंट लॉस होता है, जबकि सफ़ेद मोतिया में परमानेंट लॉस नहीं है, हम ट्रीटमेंट करेंगे, सर्जरी करेंगे, नज़र वैसी की वैसी हो जाएगी, तो ये इन दोनों में ये फ़र्क है। यानी सफ़ेद मोती का ट्रीटमेंट प्रॉपर है, हाँ, जो काला मोतिया है उसका जो लॉस है उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल लॉस, यानी काबिले वापसी नहीं है, जो उससे नज़र जितनी डैमेज हो जाएगी हम कंट्रोल तो कर सकेंगे, बची हुई नज़र को बचा सकेंगे, जो नज़र चलेगी वो बचे वो चली। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, अभी हमने लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सफ़ेद मोती की हम अभी बात कर रहे थे, तो क्या सफ़ेद मोतिया हर शख्स को होता है एक दफ़ा ज़िंदगी में? ज़रूरी नहीं है। अच्छा, वैसे तो ये एजिंग प्रोसेस है। देखें, जिस तरह बाल सफ़ेद होते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, इसी तरह से लेंस का सफ़ेद होना ये एक एजिंग प्रोसेस है। यानी ये तो बात यहाँ तक तो ठीक है कि हर शख्स को होगा, लेकिन किस हद तक होगा, एन मुमकिन है कि एक फ़र्द अपनी ज़िंदगी गुजार ले और उसकी अलामत ज़ाहिर ना हो, और कुछ लोग हैं जिनमें जल्दी वो सामने आ जाए, तो इस लिहाज से यानी इसका इस लेवल पर पहुंच जाना कि नज़र मुतासर हो, ये हर एक के साथ लाजमी नहीं है, लेकिन सफ़ेदी लेंस के अंदर अदसे के अंदर उम्र की वजह से आफ्टर 50 ईयर्स ये तकरीबन 100% है। डॉक्टर साहब, आँखों में अगर एलर्जी होती है तो उसकी क्या क्या अलामत हो सकती हैं और वो एलर्जी किन किन वजूहत से हो सकती है? एलर्जी के अलामात में सबसे ज़रूरी तो ये है कि आँख में ख़ारिश का होना, तो आँख में ख़ारिश होना महसूस होती है, इंसान का दिल करता है कि मैं उसको रब करूँ आँख को, वाटरिंग हो सकती है, पानी आना, रेडनेस हो सकती है, पिंक आई हो जाती है, पिंकिश सी अपीयरेंस हो जाती है आँख की, और कुछ लोगों में इरीटेशन भी होती है, महसूस होती है। अच्छा, वजूहात की तरफ अगर हम आते हैं तो उसमें जो चंद एक हैं, एक तो डस्ट से हो सकती है, एनिमल डेंडर से हो सकती है, मतलब जो फजलात हैं एनिमल के, पोलेंट से हो सकती है, तो ये कॉमन है, किसी तरह फिर वूल से हो सकती है कुछ लोगों को, जिस तरह घर के अंदर कपड़ों को जब क्लीन करने लगते हैं आप, या नए पुराने कपड़ों को निकालते हैं आप, अंदर पड़े होते हैं, मौसम चेंज होता है, तो उससे हो सकती है, तो ये कॉमन चीज़ें हैं जिनकी वजह से एलर्जी हो सकती है। क्या डॉक्टर साहब मेडिकली डिटेक्ट हो सकता है कि एक शख्स अगर आपके पास इन अलामत के साथ आता है तो उसको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है? बिल्कुल हो सकता है, उसमें कुछ टेस्ट होते हैं,
स्किन पैच टेस्ट उन्हें कहते हैं, वो हम करके मालूम कर सकते हैं कि किस चीज़ से इस इंसान को एलर्जी और है। से पेशेंट को बताया जा सकता है उससे कि पेशेंट को आप, बताया जा सकता है कि इससे आप अगर एहतियात रखें तो बेहतरी होगी। डॉक्टर साहब, बच्चों में एक वो टर्म यूज होती है लेजी आई, ये क्या चीज़ है? लेजी आई बच्चों के अंदर ये कॉमन टर्म है, और इसकी वजाहत हम यूं कर सकते हैं कि एक आँख का कमज़ोर होना। डॉक्टर साहब इस पे बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ एक। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कराची तो मियां मुश्ताक बोल रहे हैं। जी जी मेरी उम्र कुछ 68 साल है जी, बाईपास होया 5 साल पहले, शुगर है जी, अखा च दोनों च मोतिया है जी, वो बुढ़े हो गए, टंगा को दर्द होंगी, को वॉक नहीं होंगी जी जी, ते वो इतने POB च कराची दिखाया सी जी, वो कह रहे शुगर कंट्रोल हो गए जी जी, करने हैं थोड़ी बहुत कुछ करी दी, को कोरोना है जी, अगर तो दोनों आंखें कमजोर होंगी तो वालदैन उसको फील कर लेंगे, पता उनको चल जाएगा और वो डॉक्टर के पास आ जाएंगे। लेजी आई इस हवाले से ज्यादा सेंसिटिव है कि इसमें एक आंख बिल्कुल ठीक होती है, बच्चा नॉर्मल परफॉर्म करता है, पेरेंट्स को इस चीज का एहसास नहीं होता कि इसकी एक आंख कमजोर है, और उसका आम तौर पर जब बच्चे को एहसास होता है कि मेरी एक आंख कमज़ोर है तो उस वक्त उसकी, यानी आम तौर पे 14-15 साल की उम्र में ऐसा होता है, और उस वक्त उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। तो इसके लिए जो बेस्ट टाइम है, जिसको हम स्कूल आई केयर का नाम देते हैं, कि स्कूल एडमिशन के टाइम पर 5 साल की उम्र में उस बच्चे का तफसीली आई चेकअप करवाया जाए, तो उसमें अगर वो डिटेक्ट हो जाए तो उसका इलाज उस वक्त मुमकिन होता है, लेकिन 10-12 साल की उम्र के बाद लेजी आई फिर वो लेजी ही रहती है, वो हमेशा फिर वो बच्चा एक ही आंख से काम करता है। अच्छा, वो सारी उम्र वो ठीक नहीं होती? नहीं, वो ठीक नहीं हो सकता, और उसे उसको प्रॉपर नजर भी नहीं आ रहा होता, उस एक आंख से नजर नहीं आ रहा होता, यानी दूसरी आंख से वो सारा उसी तरह ही काम कर रहा होता है, लेकिन बहरहाल दो आंखें देने के अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, बाइनोकुलर फंक्शन हैं, जिस तरह हम डेप्थ परसेप्शन, चीज़ों की रफ्तार का अंदाज़ा, किसी चीज़ का किसी जगह पहुँचने का अंदाज़ा जो हम देख रहे होते हैं, तो ये बाइनाकुलर फंक्शन है, यानी दोनों आँखें जब मिलकर काम करती हैं तो ये अच्छा अंदाज़ा इसका लगाया जा सकता है। जब एक आँख काम नहीं कर रही होगी तो इस फील्ड में वो फर्स्ट डेफिशिएंट होगा। डॉक्टर साहब, जैसे भी उन्होंने बात की है स्कूल आई केयर के हवाले से, तो क्या मेरा ख्याल है कि इसके मुताबिक तो जब एक बच्चे का एडमिशन होता है उसका प्रॉपर आई टेस्ट होना चाहिए उस वक्त? बिल्कुल ऐसे ही है उनका, बच्चों का अगर आप बाहर के ममालिक में देखें, मतलब मैं जिस इंग्लैंड में रहा हूँ, तो वहाँ पर जब बच्चे को स्कूल में एडमिशन होता है एक आई चेकअप ज़रूरी होता है वहाँ पर, और उसी पे ही वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस बच्चे को कोई आँख की नज़र कमज़ोर है, एक आँख में बनाई मुतासर है, या खुदा न खास्ता कोई सफ़ेद मोतिया तो नहीं आ रहा बच्चे को, तो वो सारी चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं, और उस वक्त डिटेक्ट होने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसका इलाज टाइम पे कर सकते हैं और बच्चे की बनाई को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर बच्चों में देखा ये गया है कि पैदाइशी तौर पर भेंगापन होता है, उसका कोई ट्रीटमेंट है या उसकी कोई सर्जरी होती है? बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? सरदार मुदस्सर बात कर रहा हूँ, एडवोकेट एबटाबाद से। जनाब अली, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर आमिर अवान साहब को मैंने देखा, बड़ी खुशी हुई, ब्रिलियंट डॉक्टर और वेरी हम्बल पर्सन, और मेरी वालदा का इन्होंने 5-6 महीने पहले रेटिनल डिटैचमेंट के 2 ऑपरेशन किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, आप बेहतर हैं, और सलाम है डॉक्टर साहब आपको, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपको खुशी दे जी, थैंक यू वेरी मच सर। जी बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, भेंगेपन के ऊपर बात करें। भेंगेपन की मुख्तलिफ वजूहत है, दो जो कॉमन है वो यही होता है कि या आँख अंदर की तरफ आना या बाहर की तरफ जाना उसमें, और वजूहत में आँखों की बिनाई अगर मुतासिर है, ख़ासतौर पे बच्चों को जब प्लस में ग्लासेस लगने की ज़रूरत होती है तो आँख पे ज़ोर पड़ता है और आँख के जो पट्ठे हैं वो आँख को अंदर की तरफ मूव कर देते हैं, या बिनाई किसी और वजह से मुतासिर है, माइनस में नंबर है, या नंबर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों आँखों का, या बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, तो उसमें क्या हो सकता है कि आँख बाहर जा सकती है या अंदर जा सकती है। अच्छा, इलाज इनका मुमकिन है, और सबसे पहला इलाज तो यही है कि उसको आप तशखीस हो जाए और साथ ही फिर आप उसमें ग्लासेस एडवाइस कर दें, ऐनक लग जाए बच्चों को, तो बहुत से जो स्क्विंट हैं जिनको हम अंदर की तरफ आंख आती है, कन्वर्जेंट स्क्विंट भी कहते हैं, उसका इलाज तो इसी से हो जाता है। आगे जाके फिर हम देखते ये हैं कि अगर इससे करेक्ट पूरा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा बहुत रह जाता है या कुछ और वजूहत है
फिर उसका इलाज होना चाहिए। अगर कैटरेक्ट है आँख के अंदर वो निकलना चाहिए, खुदा ना खास्ता पर्दा उखड़ा हुआ है उसको ट्रीट होना चाहिए, और फिर आखिर में हम इसको जो है कि स्क्विंट सर्जरी कर सकते हैं। तो जो टेढ़ापन है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, मसल की पोजीशन जो पटे हैं उनकी पोजीशंस को हम इस तरह एडजस्ट करते हैं कि वो आँख सीधी हो जाए। डॉक्टर साहब, एक टर्म यूज होती है एडवांस कैटरेक्स, ये क्या चीज़ है? अगर कैटरेक्ट जो है वो किसी फर्द को सफेद मोतिया है और वो उसको नज़रअंदाज कर रहा है तो जाहिर है वो बढ़ता चला जाएगा, उसको हम एडवांस कैटरेक्ट किसी भी स्टेज पे कह सकते हैं। लेकिन जो उसकी मेन कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि अल्टीमेटली वो सफ़ेद मोतिया जिसका हम कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं वो फट जाता है और आँख के अंदर बेताशा दबाव पैदा हो जाता है, सुर्खी और तकलीफ के साथ मरीज़ हमारे पास आता है। तो उस सूरत में ऑपरेशन तो फिर भी लाजमी होता है कि हम उसको ऑपरेट करें और जो फट चुका है वो सारा आँख को साफ करें, लेकिन नज़र की बहाली के अमकान कम होते हैं। अच्छा, तो एडवांस कैटरक्ट से बचने के लिए ज़रूरी है कि उसके इब्तदाई मराहल पर ऑपरेट करवा लिया जाए। डॉक्टर साहब, इसी वाले से बात करते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इब्तदाई मराहल पर इसको ऑपरेट कराया जाए, तो इब्तदाई तौर पर एक शख्स को कैसे ये वो असेस कर सकता है कि उसको सफ़ेद मोतिया शुरू हो रहा है? उस पर एक तो बिनाई मुतासर हो सकती है कि आपको नज़र आना कम हो, दूर की या करीब पे पढ़ने पे आपको मुश्किल आना शुरू हो जाए, या आप ड्राइविंग करते हैं तो सामने से जब लाइट्स पड़ती हैं रात को तो वो आपके लिए मुश्किल कर देती हैं, आपको चुंधिया जाती हैं आँखें, या इवन दिन में भी बाहर आप जब सनलाइट में जाते हैं तो वो लोग या तो हाथ रख रहे होते हैं इस तरह या सनग्लासेस यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये अलामत ख़ासतौर पर उनमें मौजूद होती है। अच्छा, फिर जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, मिसकंसेप्शन है कि मोतिये को पकने देना चाहिए। कई लोग हमें आके सवाल करते हैं कि अभी पका नहीं है, डॉक्टर साहब इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो पहले जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसमें पकना ज़रूरी था क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। अब सूरत हाल में जब भी नज़र मुतासर हो रही है हम उसको बिल्कुल मोती को कर सकते हैं। तो कई दफ़ा तो हम वी एन 6x6 भी होती है लेकिन मरीज़ को प्रॉब्लम इतना हो रहा होता है उस कैटरेक्ट की वजह से कि वो ड्राइव नहीं कर सकता, वो अपने काम नहीं कर पा रहा रोज़मर्रा के, तो उसमें भी हम ऑपरेट करते हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है तो उससे बिल्कुल मोती का अच्छा इलाज किया जा सकता है। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, इस्लामाबाद से सही बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। जी सर, मेरी उम्र 23 साल है और मुझे आँख का मसला है, अंदरूनी साइड से कोई इशू लग रहा है। थोड़ा सा ऊंची बोलिए। आँख की अंदरूनी साइड से सर कोई मसला है जी, बस उसका खिंचाव पड़ता है। अच्छा, और एज क्या है? 23 साल मेरी एज है। 23 साल एज है, डॉक्टर साहब खिंचाव पड़ रहा है आँख में, बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी नज़र भी चेक कराई है, नज़र मेरी बिल्कुल ठीक है। इनको आँख में कह रहे हैं खिंचाव पड़ रहा है, आँख में खिंचाव पड़ रहा है और नज़र भी इन्होंने चेक करा लिया, ठीक है, ठीक है। तो ऐन मुमकिन है कि ये आँख का मसला ना हो, क्योंकि इस उम्र के अंदर आँख में खिंचाव पड़ने की वजह और जब नज़र भी ठीक हो तो इसका मतलब ये है कि ये वजह आँख में नहीं, ऐन मुमकिन है कि इनको नज़ला ज़ुकाम हो, इस तरह से ये फटीक हो, ओवर बर्डन हो किसी वजह से, तो स्ट्रेस में हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि इस एज में आँख के अंदर अगर नज़र ठीक है तो फिर आँख ठीक है, उसको कोई इशू नहीं। डॉक्टर साहब, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी आँख में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? ब्लड क्लॉटिंग की वजह से आँख के पर्दे में मसाइल पैदा हो सकते हैं कि जिन लोगों को ये ब्लड क्लॉटिंग का इशू होता है, बाज़ ख़ात वो क्लाट जो हार्ट के वाल्व से निकलता है तो किसी तरफ भी वो रुख कर सकता है। तो अगर वो उस खून की नाली में आ जाता है कि जो आँख को फीड कर रही है और आँख के अंदर ज़ाहिर है, पर अब जूँ जूँ वो ब्लड क्लाट आगे जाएगा तो ब्लड वेसल्स तो अब तंग होती जा रही हैं, हार्ट के लेवल पे तो वो खुली हैं लेकिन आगे जूँ जूँ वो पेरीफ्री में जा रही हैं वो तंग हैं, वो किसी जगह क्लाट करेंगी, जहाँ पर वो रुक जाएंगी और आगे खून को खून की सप्लाई आगे वो क्लाट जो है वो बंद कर देगा, तो उसके नतीजे में वो एरिया जो है वो फौरी तौर पर उसमें प्रॉब्लम आना शुरू, हाँ, नज़र बंद हो जाएगी उस जगह की और वो एक एमरजेंसी है, उसको फौरी तौर पर क्लाट को निकलना चाहिए। डॉक्टर साहब, एडिनोमास जो होते हैं ये भी आपकी विजन को मुतासर करते हैं और बल्कि बास का इंसान को दिखना भी बंद हो जाता है, ये क्या होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है और ये क्यों होते हैं? ठीक है, अच्छा, इसमें एडिनोमास जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है जी, जो हमारी ऑप्टिक नर्व या असाब हैं जो वायरिंग कह सकते हैं जिसको दिमाग में जारी होते हैं, तो उसके रास्ते में पड़ा होता है। तो अगर एडिनोमा बन जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ा हो जाएगा
और वो कंप्रेस करेगा उस वायरिंग को. जब वो कंप्रेस करेगा वायरिंग को तो क्या होगा, हमारी साइट की विजन इफेक्ट हो सकती है, सेंटर की नज़र इफेक्ट हो सकती है. तो इस पे लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर है, उसी लिहाज से वो नज़र को मुतासर करेगा. कुछ लोगों में क्या होता है कि उन्हें दोनों साइड से नज़र आना कम हो जाता है, कुछ कहते हैं कि एक आँख से नज़र आना मुकम्मल कम हो गया. तो उसका डिटेक्ट होना टाइम पर बहुत ज़रूरी है. इस तरह के मरीज़ में जो और अलामत हो सकती हैं, सर में दर्द हो सकता है, आपको प्रेशर फील हो, सुबह आपको मतली महसूस होना शुरू हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग नौजिया जिसे हम कहते हैं, तो उन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर आप उसको नज़रअंदाज करेंगे तो जो साइट की विजन के इशू हैं वो कई दफ़ा आप मिस कर सकते हैं. तो आप सीधा देख रहे हैं, आपको ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन साइट पर आपकी नज़र नहीं है, तो बाई चांस भी डिटेक्ट हो सकते हैं उसमें. तो जब भी अगर ये अलामत हो रही हो तो बेहतर होता है कि आंखों को चेक करवाएं. कॉलर है मेरे साथ, जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम सर, मैं गोहरपुर से बोल रहा हूँ. जी जी, मेरी 45 एज है और मेरी एक आंख से ना जी कुछ ऐसे केमिकल आया है, आगे साइड से देखता हूँ सही नजर आता है जी, लेकिन आंख से जो है ना वो बिनाई कम होती जा रही है मुसलसल. ओके ओके, डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी बिनाई मेरी डे बाई डे कम होती जा रही है. इन्होंने एज क्या बताई है? 40 कुछ बताई है उन्होंने. इनको चेकअप करवाना चाहिए, एंड मुमकिन है कि ये जिस तरह कह रहे हैं कि साइड से नज़र आ रहा है जी और दरमियान से इनको नज़र नहीं आ रहा. तो एक तो ये अभी जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि एडिनोमास भी, लेकिन ये तो एक एडवांस्ड इसकी है, लेकिन सफ़ेद मोतिया भी इनको हो सकता है. ठीक है, उसमें बाज़ अवक़ात ये सिचुएशन पैदा होती है. इनको पहले डिटेल चेकअप करवाना चाहिए. इसमें काला मोतिया भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसके अंदर पर्दे के इशूज़ भी सामने आ सकते हैं. बाज़ अवक़ात यंग एज में पर्दे के सेंटर में सूजन आती है, उसकी वजह से भी सेंट्रल विजन डिस्टर्ब हो जाती है और पेरीफेरी से आदमी देख रहा होता है. तो इनको डिटेल चेकअप करवाना चाहिए इस मामले में, ताकि उसको प्रॉपर रूल आउट किया जा सके. डॉक्टर साहब, सफ़ेद मोती का जब हम ऑपरेशन करते हैं और उसमें हम लेंस लगा देते हैं, तो क्या उसके बाद भी पेशेंट को एनक की ज़रूरत होती है? मुमकिन है, हो सकती है. अगरचे उसमें जब सफ़ेद मोती का हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हमारा बेसिक टारगेट ये होता है कि उसकी नज़र बहाल हो, और जो लेंस डाला जाता है उसका मकसद तो यही होता है कि उसको एनक ना लगानी पड़े. लेकिन इसमें कोई यानी ऐसी कमिटमेंट कोई नहीं की जा सकती. इवन अब जो लेंसेज बहुत कॉस्टली हैं और उनका मल्टीफोकल लेंसेज कहते हैं कि जिसमें कंपनी ये क्लेम करती है कि करीब और दूर दोनों में चश्मा नहीं लगाया जाएगा, उसके अंदर भी रिज़ल्ट 100% नहीं है. तो बाद के अब डिफरेंस ये है, जब मरीज़ हमसे ये पूछता है कि जब मैंने लेंस डलवाया तो मुझे चश्मा क्यों लगाना पड़ रहा है, तो अब उसमें हम फ़र्क ये करेंगे अगर लेंस ना डालें तो क्या सिचुएशन पेश आएगी. कि लेंस ना डाला जाए तो 10 या 12 नंबर के अनक के बगैर वो कुछ भी नहीं देख सकता. तो लेंस डालने का नतीजा ये होता है कि वो रूटीन के तो सारे काम अपने कर रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात बारीकी के काम के लिए, दूर के लिए या करीब के लिए उसको चश्मा इस्तेमाल करना पड़ता है. पॉसिबिलिटी है इसमें कोई ऐसी. नाज़रीन, हमें अभी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नासिर. डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के जो है वो हमारी आइज़ के ऊपर क्या असरात होते हैं? डायबिटीज़ के बारे में पहले हम ये समझ लें कि डायबिटीज़ किस तरह अपने अफेक्ट्स करती है जिस्म में, कहाँ कहीं भी वो अफेक्ट करे, खा वो आँखों में हो, दिल में हो, दिमाग में हो, जिस्म के किसी भी हिस्से में. जब हमारे शुगर लेवल एक हद से खून में बढ़ जाता है और कुछ अरसे तक बढ़ा रहता है, तो ये शुगर जो है ये खून की नालियों को कमज़ोर करना शुरू कर देती है. यूँ समझें कि उनके लिए वो इस तरह जैसे उनको ऐसा ऐसा छलनी बना देती है, तो खून लीक करना शुरू कर देता है. कॉलर ले लें जी. कॉलर ले लें जी. अस्सलाम वालेकुम. हाँ वालेकुम सलाम भाईजान, मैं गुलाम अजहर नारे जो बात कर रहा हूँ मीरपुर खासगंज से. जी जी जी. मेरी बच्ची है जिसकी उम्र है 23 साल जी. तो उसकी राइट आईज जो है
उसका जो है ना उसमें से पानी आ रहा है और गदूद भर जाता है। तो हम हैदराबाद लेकर गए थे, वहाँ पे डॉक्टर ने कुछ थोड़ा सा माइनर ऑपरेशन किया था, तो जो है ना दवाई भी कहता है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। तो आई साइट सही ठीक है, नजर कमजोर नहीं है, लेकिन जो है ना गदूद भर जाता है। एक तो पानी आता है और दूसरा कह रहे गदूद बढ़ जाता है उसका। हाँ गदूद जो है ना पीप जो है ना वो आ जाती है, वो समझो कि गिट्टी भी बढ़ जाती है, फिर उससे पीप निकलता है। जी बहुत शुक्रिया, बात करते हैं इसके ऊपर। जी डॉक्टर साहब, डायबिटीज के ऊपर बात कर रहे थे हम। तो जब खून की नालियाँ किस्म के यूं कहना चाहिए कि छलनी हो जाती है, उसमें सुराख छोटे छोटे बन जाते हैं, तो खून रिसना शुरू हो जाता है। अब कहीं ये ज़्यादा खून रिसे बिलफर्ज दिमाग में, तो हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज हो गया। तो बैनी ही इसी तरह ये खून की नालियाँ आँख के अंदर भी लीक कर सकती हैं, और जब लीकेज होगी तो ला महला वो आँख के पर्दे को और दूसरे अज़ा को डैमेज करेंगे। खून जब बाहर आएगा तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से शुगर जो है वो आँख के पर्दे के ऊपर असरार डालती है। दूसरा, शुगर के मरीज़ों में ज़रा सफ़ेद मोतिया जल्दी आता है। बाज़ औक़ात इनके इसी शुगर के बढ़ने की वजह से और साथ साथ ब्लड प्रेशर के अटैक्स की वजह से, क्योंकि आमतौर पर ये मर्ज़ इकट्ठे भी चल रहे होते हैं, तो आँखों में टेढ़ापन भी आ जाता है। ये कुछ बीमारियां हैं जो शुगर के मरीज़ों में पैदा हो सकती है, बार असरअंदाज होती है, बिल्कुल असरअंदाज होती है और बैडली असरअंदाज होती है। 5 साल तक अगर एक मरीज़ की शुगर कंट्रोल नहीं रही तो फिर आँख के अंदर उसके असर आना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे भी हमारे कॉलर थे, उन्होंने जी 23 साल बेटी की उम्र है, आँख से पानी भी आ रहा है और गदूद बढ़ जाता है, ये गदूद बढ़ना क्या है? जो जिस तरह ये बता रहे हैं तो उससे ये लग रहा है कि इनकी जो टीयर डक्ट है, पानी की नाली है, उसमें ब्लॉकेज है कहीं पर ना। तो उससे क्या हो रहा है कि एक पानी की थैली होती है, लैक्रिमल सैक कहते हैं उसमें, तो उसमें पानी आता है और फिर पानी की नाली से वो नाक के अंदर ड्रेन हो जाता है, तो वहाँ कहीं ब्लॉकेज है, तो उसी वजह से पानी भी आ रहा है और पीप, खासतौर पे जब आप उस एरिया पे प्रेस करते हैं तो पीप निकलती है, तो इसको डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं इसको हम। और ज़्यादातर ये जब क्रॉनिक हो जाता है, जो बहुत अरसा चल रहा होता है, उसका फिर इलाज यही होता है कि इसको ऑपरेट होना चाहिए, प्रोसीजर करके, जिस तरह डॉक्टर साहब ने पहले भी जिक्र किया, पानी का एक और हम पैसेज रास्ता बना देते हैं जिससे वो फिर ड्रेनेज शुरू हो जाती है और ये मसला हल हो जाता है। मतलब इनको किसी बेहतर हॉस्पिटल में जाना चाहिए और वहाँ पे उनको अपना बच्ची का चेकअप करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मोती की तरफ वापस आते हैं, अगर किसी शख्स को दोनों आँखों पर सफ़ेद मोती है तो क्या बैक वक्त उसकी दोनों आँखों को ऑपरेट किया जाएगा? अच्छा, इसमें यूजली तो हमारी कोशिश होती है कि एक आँख एट अ टाइम, क्योंकि जब भी कोई ऑपरेशन हम कर रहे होते हैं उसमें थोड़ा रिस्क होता है, तो उससे कोशिश यही होती है कि एक आँख को करें, ताकि खुदा ना खास्ता आँख के अंदर कोई इन्फेक्शन या कोई मसला हो तो एक आँख में हो। तो बेहतर तो यही होता है कि इसमें एक आँख का ऑपरेट किया जाए। बहुत ही शाज़ो नादर होता है कि अगर मरीज़ इस तरह का है जिसको हमने बेहोश करके करना है और उसके हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि मुझे दोबारा चांस नहीं मिलेगा बेहोश करने का, या बहुत ही कुछ छोटा बच्चा है जिसमें अब जिस तरह कोविड के दिनों में भी इश्यूज आता है कि आप बार बार बच्चे को अस्पताल लाना और उनको फिर उस तरह ट्रीट करना, तो उसमें फिर हम बायलैटरल भी कर सकते हैं, वो फिर पॉसिबल है उसमें। डॉक्टर साहब, ये सफ़ेद मोती का ऑपरेशन कितना तकलीफ दे है और उसके कितना टाइम लग जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो तकलीफ दे नहीं है, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, फेको सर्जरी है जिसमें, जिसको आम लोग श्वाएँ कहते हैं, तो इसमें तो अमूमन सुन करने के लिए इंजेक्शन जो तकलीफ दे अमल होता है, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए ऑपरेशन नहीं करवाते कि जी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो इंजेक्शन भी अब नहीं लगाया जाता और हम कतरों से आँख को सुन कर लेते हैं और 10-15 मिनट के अंदर ऑपरेशन हो जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, अब कोई बड़ा काम नहीं रहा ये। कॉलर जी, वाले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? शेखपुरा से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने पूछना था, मेरा ना आंख का इशू था, एक्सीडेंट हुआ था मेरा 2016। थोड़ा ऊंची बोलिए प्लीज। बाइक पे ना एक्सीडेंट हुआ था 2016 में। जी जी। तो मेरी ना आंख डैमेज हो गई, उस पे हिट हुआ था काफी जोर से, तो उसके बाद ना उसमें से नजर जो था ना काफी कम आने लग गया, तो वो मैंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, काफी हॉस्पिटल्स में, इत्तेफाक में और रावलपिंडी, काफी जगहों पर। तो एज एज कितनी आपकी, उम्र कितनी है? डैमेज हो गया। उम्र कितनी है? 24 साल। ओके, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद कह रहे हैं कि नजर आना कम हो गया, उसमें दो वजूहात इधर हो सकती हैं। एक तो वजह ये हो सकती है कि ऑप्टिक नर्व को डैमेज हुआ, जो दिमाग को वायरिंग जा रही है आँख से, जो आँख के खुलिए हैं वहाँ से सिग्नल जो जाते हैं उसको डैमेज हो सकता है चोट की वजह से।
सेकेंडली ये हो सकता है कि कई दफ़ा पर्दे पर्दे बसारत जिसे हम रेटना भी कहते हैं उसको नुकसान हो सकता है और उसमें एक किस्म का स्कार टिश्यू बन जाता है, जिस तरह हाथ पे जब जख्म होता है तो एक वो निशान छोड़ जाता है, तो इसी तरह समझें आँख के सेंटर का जो पर्दा है उस पर निशान छोड़ जाता है, तो उससे भी नज़र कम हो सकती है, या पर्दे के अंदर सुराख हो सकता है, तो मुख्तलिफ वजूहत हैं कुछ का इलाज हो अगर वो स्कार टिश्यू बनता है तो क्या वो नेचुरल रिकवरी नहीं होती उसकी वक्त के साथ साथ? बदकिस्मती से जो आँख के अंदर हम इसको स्कार टिश्यू बनने को रोकना चाह रहे होते हैं, क्योंकि जब वो स्कार बनता है वो पर्दे को सुकेड़ देता है और सुकेड़ने से क्या हो जाता है, बेनाई और मुतासर हो जाता है, जो पर्दे में खुलिए होते हैं उनकी अलाइनमेंट जो है उनकी तरतीब वो अपनी जगह से हिल जाती है, तो उसको हम रोकना चाह रहे होते हैं। स्कार बन जाए तो फिर उसका कोई इलाज ऐसे नहीं है, लेकिन पर्दे के अंदर सुराख हो अगर तो उसको ऑपरेट करके हम विट्रेक्टमी करके उसको ठीक कर सकते हैं, या पर्दा बसारत उखड़ जाए तो उसको हम ऑपरेशन से अपनी जगह पे ला सकते हैं और बेनाई बहाल हो सकती है। डॉक्टर साहब, सफेद मोती का अगर कोई पेशेंट कहे जी मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, कोई इसका कोई और हल, कोई दवाइयाँ जैसे नॉर्मली हमारे एक टेंट पाया जाता है, तो क्या उसका कोई और हल भी है? दुआ ही है उसके अलावा तो कोई हल नहीं। कोई डॉक्टर साहब स्पेशल डाइट, वाइटामिन्स वगैरह जिससे जो आँखों का सफ़ेद मोती है इसको रोका जा सके या उसको कम उसके रिस्क को कम किया जा सके? देखिए, इसमें कुछ कंपनियां इवन एलोपैथी में भी क्लेम करती हैं, लेकिन एक्चुअली ये एजिंग प्रोसेस है जी। जिस तरह हम बालों को सफ़ेद होने से नहीं रोक सकते, हम बाकी बुढ़ापे की अलामत को नहीं रोक सकते, इस तरीके से इसको भी नहीं। बाकी हेल्दी हैबिट्स वो उसे स्लो किया जा सकता है। स्लो किया जा सकता है, यानी जिस तरह एक हेल्दी हैबिट्स हों और सोने और जागने के टाइम इंसानी फितरत के मुताबिक हो, मॉर्निंग वॉक हो, वर्जिश हो, एक्सरसाइज हो, और ये बहुत ज़्यादा खाना पीना सब चीज़ें ना, तो जिस्म हेल्दी होगा, जैसे तो जैसे जनरली बॉडी आपकी जो मेंटेन होगी तो बाकी चीज़ें भी मेंटेन हो जाएगी। कॉलर है ये हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, हेलो जी, जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम आफ्ताब आलम है जी, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ जी। जी मेरी उम्र 58 है और मैं पिछले 26 साल से जो है ना शुगर है मुझे, तो दोनों आँखों में जो है ना डॉक्टर साहब ने कहा था कि सफेद मोती है आपके जी, तो उन्होंने जो है ना मुझे लेजर शुआएं लगाई हैं जी। उसके बाद में 3 महीने बाद यानी कि फिर बुलाया, उन्होंने कहा जी अब स्टेबल है अभी, यानी कुछ नहीं होगा। अब पूछना ये है कि मेरा ऑपरेशन होगा? धुंधला नजर आता है मुझे दोनों आँखों से जी। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब की मेरा जी जी बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं जी वो लेज़र मुझे लगाया है और उसके बाद उन्होंने कहा जी अब आप स्टेबल हैं तो मैं आप क्या मुझे ऑपरेशन दोबारा कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? अच्छा, उसमें मोतिया का ऑपरेशन नहीं हुआ ना, बता रहे हैं कि लेज़र पीछे हाँ। तो उसमें जो पर्दा है आँख का, पर्दा बसारत, उसमें जिस तरह डॉक्टर साहब ने पहले भी जिक्र किया कि शुगर में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो उसका इलाज फिर यही होता है, कई दफ़ा आँख के अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं, कई दफ़ा हमें आँख के अंदर शुआएँ लगानी पड़ती हैं ताकि उसको हम पर्दे को स्टेबलाइज कर सकें और ब्लड आने को बंद कर सकें। तो वो जब चीज़ें स्टेबल हैं उसके बाद मोतिया का बिल्कुल ऑपरेशन हो सकता है और उससे उनकी बेनाई बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, सफ़ेद मोती के ऑपरेशन पे कितना खर्चा आता है? डिपेंड करता है, यहाँ दो इंतहाई मौजूद हैं तो ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रही है, और डिपेंडिंग अपॉन के आप लेंस, यानी मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज मौजूद हैं, सिंपल हार्ड लेंसेज हैं, फोल्डेबल लेंसेज हैं जो जिसके बाद हमें इंजेक्शन अपना आँख में कोई टांका भी नहीं लगाना पड़ता। इस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मल्टीफोकल लेंसेज हैं, तो लेंसेज पे डिपेंड करता है, खर्च जो है 20-25 हज़ार से लेकर प्राइवेट सेक्टर में 1.5-2 लाख तक भी चला जाता है। यानी मिनिमम प्राइवेट सेक्टर में 20-25 हज़ार लग ही जाता है। 25 हज़ार तो लग ही जाता है, वो लग ही जाता है। डॉक्टर साहब, जब एक लेंस डाल दिया जाता है किसी पेशेंट को तो वो लेंस कितने अरसे तक कारामद होता है? वो लेंस लाइफ टाइम होता है, कोई उसमें मसला नहीं आता और पेशेंट को दोबारा एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ और होती है, मोतिया का जब ऑपरेशन हो जाता है कई दफ़ा लेंस के पीछे एक झिल्ली आ जाती है, एक बारीक सा पर्दा होता है, कैप्सूल कहते हैं जैसे, उसके ऊपर हम रखते हैं, तो उसको हम लेज़र कर सकते हैं, उसमें लेंस नहीं धुंधलाता, लेंस के पीछे झिल्ली में धुंधलाहट आती है और उसको हम लेज़र करके साफ़ कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट से मैंने ये सुना कि जनाब मेरा लेंस पड़ा था और वो हिल गया अपनी जगह से, क्या ये भी मुमकिन है? लेंस का हिलना आम हालात में तो नहीं होता, या तो उसको पहली दफ़ा ही उसकी एडजस्टमेंट सही नहीं हुई, लेकिन अगर एक दफ़ा सही एडजस्टमेंट हो गई है और उसको सही नज़र आना शुरू हो गया, यानी एक से 1.5 महीने का पीरियड होता है जिसके अंदर अगर कोई कम्प्लिकेशन सामने नहीं आई, तो उसके बाद लेंस के हिलने की एक ही सूरत है कि कोई एक्सीडेंट हो, कोई सीवियर एक्सीडेंट हो,
अदरवाइज जो छोटे मोटे मसाइल होते हैं, बाज का ऐनक का नंबर आ जाना, या जिस तरह भी इन्होंने बताया कि पीछे एक झिल्ली धुंधला जाती है, तो कुछ लोग इसको भी लेंस हिलने का नाम दे देते हैं। एक दफ़ा एडजस्ट हो जाए तो वो अपनी जगह नहीं हिलता। डॉक्टर साहब, कुछ काले मोती के वाले से बात करते हैं। काले मोतिया जो है, इसके होने की कोई रीजंस खास? इसमें जो अगर आप रिस्क फैक्टर्स की तरफ आते हैं, एक तो फैमिली हिस्ट्री, कि आपके ख़ानदान में अगर आपके बुज़ुर्गों को रहा है, बहन भाइयों को रहा है जो आपसे बड़े थे, तो चांस होता है कि आप में भी रिस्क उसका होगा। दूसरा चीज़ एज का बहुत रोल है, कि जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती है, काले मोतिये का रिस्क बढ़ता जाता है। तो 40 के बाद एक खास हद तक है, 50 के बाद, 60 के बाद, तो ऐसा ऐसा रिस्क थोड़ा बढ़ता जाता है उसमें। या आँख में कोई चोट लगी है, या जिस तरह किसी को शुगर रही है, या आँख के अंदर खून की नालियाँ फट गई हैं, तो उस पर भी काला मोतिया हो सकता है। तो मुख्तलिफ वजूहत हैं इसकी और रिस्क फैक्टर हैं जो काला मोतिया कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी उन नालियाँ फटने के वाले से बात की है, तो क्या हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी आपकी आँखों पर असरअंदाज हो सकता है? बिल्कुल होता है, और उसमें क्या हो जाता है कि हमारी जो खून की नाली है, जो ब्लड को वापस लेके जा रही होती है, वेन कहते हैं जिसको हम, उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। जब उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि ब्लड सारा स्पिल ओवर हो जाता है। आँख के अंदर ब्लड आ रहा है लेकिन वापस नहीं जा पा रहा, तो वो उन खून की नालियों से बाहर रसना शुरू हो जाता है। या कई दफ़ा इवन आर्टरी जो खून ला रही है, उसके अंदर भी ऑक्लूजन हो सकती है कि वो बंद हो जाती है, जिसे हम सेंट्रल रेटिना ऑक्लूजन या ब्रांच रेटिना ऑक्लूजन कहते हैं। तो दोनों सूरत में आँख को मुतासर कर सकता है ब्लड प्रेशर। कॉलर है मर्सर जी, अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप ओके जी। डॉक्टर साहब, अगर फैमिली हिस्ट्री की जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है, अगर पेरेंट्स में से किसी को काला मोतिया हुआ है, तो कितने चांसेस हो सकते हैं कि आगे जो बच्चे हैं वो भी काले मोती का शिकार हों? चांसेस मौजूद हैं, यानी इसमें परसेंटेज से हटते हुए, कि रूटीन में भी हम ये एडवाइस करते हैं कि 40 ईयर्स के बाद हर फर्द को एनुअल अपना एक चेकअप करवाना चाहिए, डिटेल चेकअप, क्योंकि बात हम काले मोती ही कर रहे हैं, और काले मोतियों को हम कहते हैं कि ये खामोश कातिल है। यानी आँख का जो प्रेशर बढ़ता है, तो बज़ाहिर कुछ महसूस नहीं होता, प्रेशर इतना अगर तो बहुत ज़्यादा बढ़े तो मरीज़ तकलीफ के साथ आता है, लेकिन एक मरीज़ों की एक अक्सरियत ऐसी है कि जिनमें प्रेशर सिर्फ इतना सा बढ़ता है कि उन्हें एहसास नहीं होता, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी पेरिफेरल विजन जो है वो डैमेज होना शुरू होती है, सेंट्रल विजन नहीं शुरू में होती। तो जब वो अच्छी तरह अपनी जड़ें जमा लेता है, तो फिर सेंट्रल विजन पर अटैक करता है। तो इसलिए ये वैसे ही मैंडेटरी है कि 40 साल के बाद हमें एनुअल, या अगर बिल्कुल ठीक है तो एटलीस्ट बाई एनुअल हमें चेकअप करवाना चाहिए। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना जैसे ही फैमिली हिस्ट्री का पता लगे उस वक्त भी चेक करवाएं, और बाद में भी थोड़े थोड़े अरसे के बाद, यानी साल डेढ़ साल बाद चेक करवाते रहें, क्योंकि जब इम्कानात मौजूद हैं तो इसका ये यानी कोई बात नहीं कि हो सकता है कि मुझे ना हो, अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मायोपिया, ये क्या चीज़ है, उसकी क्या कॉजेज हैं, क्या ये भी इसमें भी वरासती अनासर का जो है वो ज़्यादा मदखल है? मायोपिया जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है कि नज़दीक की नज़र आपकी ठीक होती है, दूर की आपकी नज़र कमज़ोर होती है। और पैथोलॉजिकल मायोपिया टर्म हम यूज़ करते हैं जब आपका आँख का नंबर ज़्यादा कमज़ोर है, जिस तरह -5, -6 से ज़्यादा है, तो वो फिर -15 भी हो सकता है, वो उससे भी ज़्यादा होता है। तो यूजली क्या होता है कि मायोपिया जो है वो एक ख़ास उम्र पर आके रुक जाता है, 18 तक नज़र कम होती रहती है, और हम मरीजों को, बच्चों को कहते हैं कि आपका उस वक्त जाके रुक जाएगा, आप उस वक्त चेकअप करा रहे हो। जो पैथोलॉजिकल में होता है कि उसके बाद भी चल रहा होता है। अच्छा, इसमें कुछ तो ये है कि आपकी आदत में मुनहसर है, कि अगर आप बहुत ज़्यादा करीब का काम, गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूजेज आपकी ज़्यादा है, या पढ़ना लिखना आपका बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली आपके करीब की बेहतर होती जाएगी, दूर की आपकी कमज़ोर होती जाएगी। तो हम उसमें बैलेंस का कहते हैं कि दूर की भी आउटडोर स्पोर्ट्स भी करें और पढ़ना लिखना भी, इनका बैलेंस होना चाहिए। और क्योंकि पैथोलॉजिकल मायोपिया और नुकसान भी कर सकता है, आँख का पर्दा बस, यानी इसमें आपकी नज़र कमज़ोर होती चली जाती है। डॉक्टर आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तैयब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। लाजिन बात कर रहे थे आँखों की बीमारियों के हवाले से, और जैसे डॉक्टर साहब ने भी एक बड़ी खूबसूरत बात की है, उन्होंने कहा कि अगर आपकी उम्र 40 साल है, तो आप साल में कम से कम अपनी आँख का एक बार जो है वो बेसलाइन एग्जामिनेशन ज़रूर करवाएं, और अगर आपका डॉक्टर आपको ये कह देता है कि आपकी आँख में कुछ ऐसी अलामत हैं जो आगे जाके किसी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं, तो फिर आपको वो जो चेकअप है उसको मुसलसल बुनियादों पे उसका आप करवाएं, ताकि आप किसी सवियर किस्म की बीमारी से बच सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी अगली इतवार। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।